इस फिल्म के आप प्रोड्यूसर हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप जो है आज ये जो फिल्म आप एज ए प्रोड्यूसर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म देखिए कि जब मुझे नन्हे जी रंजीत भैया और अभिषेक के बारे में इंटरव्यू मिले तो बताए कि कहानी हम लिख रहे हैं, अच्छी है कहानी, बाकी और सब अभिषेक के बारे में जानते हैं। खेसारी जी और सुनील शर्मा जी, रंजीत सिंह जी साथ में हैं, सब लोग क्या कहना चाहेंगे? सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्यार दे रहे हैं, सब बताए कि बहुत अच्छा ही होगा। कितना सपोर्ट मिल रहा है खेसारी जी का आपको? खेसारी जी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बताए कि बाबू खड़ा हो जाओ, बाकी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। तो दर्शकों से क्या कहेंगे आपको जो पहली फिल्म है, और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से बस प्रणाम करें दर्शकों की, भाई मेरी पहली फिल्म है, आप लोगों की जितनी से जितनी हो सके दुआ मिलना चाहिए, और हम अपने तरफ से अच्छा ही फिल्म बना रहे हैं, बाकी आप लोगों की दुआ मिले तो और आगे बनाएंगे। अरिजीत जी बात करें, आज अब हुई प्रेम युद्ध का मुहूर्त किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से नजर आएंगे इसमें? मैं इसमें एक सपोर्टिंग सेकंड लीड एक्टर में नजर आऊंगा, जो कि खेसारी भाई का दोस्त रहता है, उनके दुख सुख में साथ देता है उनको, और इस कहानी का ऐसे मोड़ है कि जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद जब दोबारा मुलाकात होती है तो एक नए रूप में मुलाकात होती है, जो कि मैं उनको वो रहते कुछ और है, मैं उनको पहचानता कुछ और तरीके से हूँ। फुल टू एंटरटेनमेंट मूवी है ये। तो लाडला के बाद एक बार फिर एज ए हीरो आप जो है खेसारी जी के साथ किस तरह से होगा, इसमें प्यार मोहब्बत होगा या लड़ाई झगड़ा होगा, युद्ध होगा या प्रेम होगा? नहीं, युद्ध तो नहीं है, शुरू से लास्ट तक हम दोनों का प्रेम ही दिखाया गया इस फिल्म में। एक दोस्त दोस्त के लिए क्या कर सकता है, एक दोस्त जब बिछड़ जाता है तो क्या स्थितियां पैदा होती है एक दूसरे को पहचानने में, बस इसी पे कहानी है। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से जरूर कहूंगा कि इस फिल्म को देखें और सराहें, और ये नाम जरूर याद रखें कि जब भी ये फिल्म रिलीज होगी तो इसे देखने जरूर आए। अभिषेक तिवारी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, परवेश कुमार प्रेम जी इसके प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? परवेश जी एक नए युवा प्रोड्यूसर हैं और पहली बार फिल्म बना रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और वो एक अच्छे प्रोड्यूसर बन के आगे की तरफ बढ़े। और अभिषेक जी तो एक बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस हैं और डायरेक्शन में उनका जवाब नहीं है जी। अच्छा बात करें जो है बैंकॉक में भोजपुरी का आपने झंडा गाड़ा, लाडला का वहां भी जय जय हुआ, और अभी जो है इसी हफ्ते आप दोहा कतार में भी गए, वहां भी लाडला और भोजपुरी का जयकार हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है जबकि बिहार एक छोटा सा स्टेट है, राज्य है इंडिया में, उसका जब उस भाषा के लोग जब वर्ल्ड में अपने नाम का झंडा गाड़ते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, और मैं चाहूंगा मेरे तरफ से जितना हो सके मैं विदेश में भोजपुरी भाषा का प्रचार करूंगा।